रोल सर, आपसे ये सवाल है, आप जो है रंची तगाड़ी के अंदर आपने प्रवेश किया, तो आपका जाने का मकसद? जाने का मकसद सीधा यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त महाराष्ट्र में एक ही पार्टी जो उभर रही है, जो भी लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट आया 40 लाख को लिए वंचित अखाड़ी ने, और उस सबको लेकर चलने वाली है, दलितों को, मुसलमानों को, वंचितों को, बहुजनों को, सबको लेकर चल, ये समीकरण बहुत अच्छा बैठ रहा। और वैसा भी जो खुद को सेकुलर जो जमात बताने वाली, पार्टी बताने वाली राष्ट्रवादी, जो पहले मैं पार्टी में था, उन आपने खुद देखा 3 तलाक के वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो राष्ट्रवादी के थे वो गैर हाजिर है। जब हम हर जगह कंप्रोमाइज़ करेंगे, जहाँ हमारा शरीयत का मसला आएगा, इंशाल्लाह हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी कुर्बानी हमको देना पड़े। तब हमारे पास महाराष्ट्र में कोई चारा ही नहीं था सिवाय एक सेकुलर पार्टी के, जो उभर रही है, जो सब पसंद कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट लोकसभा में नज़र आया, इसलिए हम इस पार्टी की तरफ रुख किए। तो सर, आपने जो है तो मुसलमानों के वास्ते इतना बड़ा आम खास से लेके डिवीजन कमिश्नर ऑफिस का, तो आपने इतना बड़ा आरक्षण के वास्ते मोर्चा निकाला था, तो इसमें कुछ आपको ऐसा लगता है क्या, कुछ वंचित आगाड़ी के अंदर प्रवेश होने के बाद में आपको कुछ वंचित आगाड़ी जो है तो आपको कुछ टिकट विकट आपको देने की कुछ ऐसी उम्मीद है क्या? सबसे पहली बात तो मेरा इलेक्शन लड़ना मकसद ही नहीं है, ना टारगेट है। मैं एक सेकुलर जमात को, सेकुलर पार्टी को मुसलमानों से जोड़ना चाह रहा हूँ, जो मुसलमानों के लिए फायदा। रही बात इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ना, अगर जो पार्टी बोली कहीं से इलेक्शन लड़ना है, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी तैयारी करना पड़ेगा, ये पार्टी के ऊपर है। और मैं तो अभी नया नया हूँ, मुझे कुछ अभी क्या समीकरण है ये अभी मैं कुछ भी नहीं जानता। नहीं तो अपने को औरंगाबाद के लोग सब जानते हैं, दलित मुस्लिम, आपने इतना बड़ा मोर्चा निकाला है, पूरे दलितों को भी, दलित समाज को भी मालूम है क्या, याद भाई जो है तो कोई भी प्रोग्राम लिए तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सभी जात धर्म के लोग, तो उसमें आपको ऐसा लगता नहीं क्या ये लोग भी बोलेंगे क्या बहुत अच्छे पावरफुल आदमी है, आप उनको टिकट दो, तो फिर आप क्या उनसे ख्वाहिश रखेंगे? नहीं, मेरी ख्वाहिश कुछ नहीं है, अगर जब पार्टी कोई आदेश देती है, पार्टी के वरिष्ठ कुछ आदेश देते हैं, बाड़ा साहब कुछ देते हैं, तो मैं तैयार हूँ हर काम के लिए। वैसा भी मैं नहीं कर रहा है, हम तकरीबन 25-30 साल से शहर में काम करते हैं, सबको मालूम है, हर मुसलमान को मालूम है, हर बच्चे को मालूम है, हो सकता कुछ नयों को नहीं मालूम होगा, ये बात अलग है। अब 3 साल में तो हम 9 मोर्चे निकाले, हर इशू पे निकाले, हमने रिजर्वेशन पे निकाले, माफिनजिंग पे निकाले, सीरिया के ऊपर निकाले, म्यांमार के ऊपर निकाले, आसिफा के ऊपर निकाले, तो बोलने का मतलब 3 तलाक के ऊपर निकाले, तो बोलने का मतलब हम तो सिर्फ मुसलमानों की खिदमत करना ये हमारा मकसद है, और उससे कुछ हासिल करना ये हमारा मकसद नहीं है। और मेरा तीसरा सवाल ये है सर आपसे कि आप जो है वंचित आगाड़ी के अंदर आप कितने लोग जो है तो अपने औरंगाबाद शहर से प्रवेश हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को तो अभी अंदाज़ा नहीं है, लिस्ट तो बहुत बड़ी थी, आपको देख रहे स्टेज पर इतने लोग चढ़ गए कि भाई एक साथ सबको करना पड़ा, माशाल्लाह बड़े गाँव से लेके आज़ाद चौक तक, गारखेड़ा, नारेगांव, हाँ बैजीपुरा, अब महलों के आप नाम याद नहीं, हर महल्ले के हर अलग अलग ग्रुप आए थे और सब सम्मिलित करते रहते हैं। ग्रामीण के लोग भी, ग्रामीण के पैटर्न के लोग आए थे, वो तो आपके सामने हैं, फुल्दाबाद के लोग आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और कन्नड़ के बच्चे भी बाहर ही बैठे हुए हैं, देखो वो पूरे के पूरे आ रहे थे, वो 8-10 गाड़ी भर के। तो मैं बोला भाई आप 4-5 लोग आओ, मैं मुलाकात कराता, फिर प्रोग्राम अपने को ताल्लुक में रखना है तो उसको अलग तरीके से रखेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ शहर का काम देखना चाहता हूँ। मैं वरिष्ठों को यही बोला कि मैं शहर में काम करूँगा, और जातिवाद पार्टी जो है, जो अभी इस वक्त सारे मुल्क में राज कर रही, बस इनको ख़त्म करना हमारा ही मकसद है। सर आपसे ये 14वां सवाल है, आपने जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या है? सीधा जब मेरी शरीयत पे मामला आएगा, जब पार्टी के लोग साथ नहीं देंगे, मैं पार्टी छोड़ दूंगा, और इंशाल्लाह जो भी जमात सेकुलर के नाम पे मुसलमानों को वोट हासिल करती झूठ बोल के, और शरीयत का जब वोटिंग का आएगा उसके ऊपर गैर हाजिर रहेंगे, तो सवाल ही नहीं, कोई भी मुसलमान रहना पसंद नहीं करेगा जिसके दिल में ईमान है, बात ये याद रखो। और सर आपसे 5वां सवाल ये है, अगर से कभी आपको वंचित आगाड़ी अगर से कभी टिकट नहीं देती है तो आप उसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह वही काम करूँगा जो पार्टी जिसके साथ अलायंस है, जिसको टिकट देंगे उनका काम करेंगे हम, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मेरा मकसद ही नहीं है, मेरा टारगेट ही नहीं है इलेक्शन लड़ना, ये बात याद रखो आप।
वंचित की तो युति रहेगी, युति रहेंगी फिर जो जिसकी जो भी युति में उनके साथ है सेकुलर जमात उसके साथ हम काम, आपको भी उनके स्टेज पे जाना। अरे मेरे इमाम की दुश्मनी क्या है भाई, अरे क्या लगा है, अरे जो भी वंचित के साथ है अलायंस में है हम उनका काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे इंशाल्लाह।